टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एलजी। एलजी की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एलजी इज प्रोडक्शन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। अब एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं ये एलजी की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से बनते हैं इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, या जहाँ पर पानी प्रेजेंट होगा, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अगर उसमें एलजी एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो करती है तो वो वाटर की कंसिस्टेंसी को चेंज कर देती है, उसकी अपेयरेंस को चेंज कर देती है, और वाटर जो है वो थिक हो जाता है, ग्रीन कलर में हमें नज़र आने लग जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि एल्गल ब्लूम्स जो हैं एलजी ने क्रिएट किए हैं। एलजी ग्रो एक्सेसिवली अलोंग द शोर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड ओशंस एंड कॉज एल्गल ब्लूम्स। एलजी कवर द अपर सर्फेस ऑफ स्विमिंग पूल्स। एलजी कॉज यूट्रोफिकेशन इन पॉन्ड्स एंड लैक्स। इट कॉज द डेथ ऑफ मैनी फिशेज ड्यू टू द ऑक्सीजन डेफिशेंसी। यानी कि जब एल्गल ब्लूम्स बनते हैं ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एलजी, तो डेफिशेंसी हो जाती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये एक कंडीशन कॉज करते हैं एल्गल ब्लूम, जिसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एंड यूट्रोफिकेशन देर इज़ इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो एनिमल्स की डेथ शुरू हो जाती है। अब एलजी की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, पॉइजनस प्रोडक्ट्स बनती हैं। अगर हम देखें कि किस तरह के पॉइजनस प्रोडक्ट्स बनती हैं और क्यों बनती हैं, ये बनती हैं ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ एल्गल प्लांट्स रिलीज सर्टेन टॉक्सिक्स बाई प्रोडक्ट्स। अब एलजी की प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो एल्गल प्लांट्स होते हैं, उनकी डिकेइंग की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। एंड दिस कंपाउंड्स आर हार्मफुल टू एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स एंड आल्सो रिलीज टॉक्सिन्स विच कॉज डेथ ऑफ एनिमल्स। अब ये जो कंपाउंड्स हैं बहुत हार्मफुल होते हैं फॉर एक्वेटिक इन्वायरमेंट और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इनकी डेथ शुरू हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा जो एलजी है ये ह्यूमंस में भी डिजीज़ काज करती है। डिफरेंट एलजी में काज स्टमक ट्रबल्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड स्किन डिजीजेस। ड्यू टू द एलजी देयर इज आल्सो ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स की एलजी की एक टाइप देखी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था एपिफिटिक एलजी। एपिफिटिक एलजी जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की अपर सर्फेस पर रहती है, जैसे कि यहाँ पे अब जो ट्री का आपको एक अपर ट्रंक नज़र आ रहा है, उसका ट्री का अपर एरिया नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का हो चुका है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एलजी। द एपिफिटिक एलजी विच आर फाउंड अपॉन द अदर प्लांट्स एंड ट्री ब्लॉक फोटोसिंथेसिस एंड इनडायरेक्टली हार्म द ट्रीज एंड प्लांट्स। एपिफिटिक जो एलजी होती है ये किसी दूसरी प्लांट की अपर सर्फेस पर ग्रो करती है, और इसकी ग्रोथ की वजह से होस्ट प्लांट की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ टाइप ऑफ एलजी विच इज़ नोन एज कॉरा। करा जो है ये एक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा है जो कि शेलो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, पॉन्ड्स और लैक्स में ये आपको नज़र आएगा। इट रिमेन अटैच टू द मडी बॉटम्स विद राइजोइड्स। करा जो है इसको हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं, क्योंकि करा का जो प्लांट होता है इट इज़ इनक्रस्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, हैंड्स आर कॉमनली नोन एज स्टोन वर्ट्स। करा की प्लांट बॉडी की बात करें तो ये एक थैलसनुमा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक थैलसनुमा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और एक राइजोइड की हेल्प से ये अटैच होता है विद द सबस्ट्रेटम। द मेन एक्सिस इज मेड अप ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस इन कारा। अब ये जो ब्रांचेस बन रही हैं कारा के अंदर ये दो तरह की होती हैं। कुछ ब्रांचेस की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, और कुछ ब्रांचेस की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। जो ऐसी ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है ये शॉर्ट होती हैं एंड दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ होलर बट ऑन द नोड्स ऑफ मेन एक्सिस ब्रांचेस आर अनलिमिटेड। लेकिन जो मेन एक्सिस की ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। नाउ वी विल डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन कारा। कारा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कारा के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें चार तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं।
फर्स्ट इज़ बुलबिल्स। अब ये जो बुलबिल्स हैं ये दो तरह के बनते हैं, स्टेम के अंदर बनेंगे तो हम इनको स्टेम बुलबिल कहेंगे, और अगर ये रूट के अंदर बनते हैं रूट नोड्स पर तो उनको हम रूट बुलबिल्स कहेंगे। अब ये जो बुलबिल्स हैं ये ओवल और स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जो डिवेलप होती हैं स्टेम और रूट नोड्स पर। ओवल यानी कि गोल शेप में उभरी हुई बॉडीज़ हैं। बुलबिल्स आर फॉर्म्ड ऑन द रूट ऑफ सी एस्परा एंड द स्टेम ऑफ सी बाल्टिका। आफ्टर डी अटैचमेंट दे जर्मिनेट एंड डिवेल्प न्यू प्लांट। जैसे ही ये साइज़ में बड़ी हो जाती हैं ये डी अटैच कर जाती हैं अपनी मेन बॉडी पार्ट से, और जहाँ पर जाकर ये बॉडीज़ गिरेंगी वहाँ पर न्यू जो है प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ अमोर्फस बल्बिस। अमोर्फस बल्बिस जो अगर हम देखें तो इसमें सेल्स की ग्रोथ बहुत से सेल्स की ग्रोथ हो शुरू हो जाती है। दीज आर स्मॉल सेल्स डिवेल्प एंड एग्रीगेट एट द नोड्स कॉल्ड अमोर्फस बल्बिल्स। ऑन बींग डी अटैच फ्रॉम द मदर प्लांट दे जर्मिनेट एंड डिवेल्प इन टू न्यू प्लांट। अब बहुत से छोटे छोटे स्मॉल बल्बिल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं जैसे ही ये इसके साथ मेन बॉडी पार्ट से डी अटैच होंगे तो जहाँ पर जाकर ये बल्बिल्स गिरेंगे वहाँ पर न्यू प्लांट की डिवेलपमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अमेलम स्टार्स। अमेलम स्टार का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्टार नुमा बॉडीज़ बनाते हैं। दीज आर मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स लुकिंग लाइक स्टार्स। इसमें बहुत से सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह से हुई होती है जैसे कि एक स्टार का स्ट्रक्चर है। एंड आर सेल्स आर डेंसली फिल्ड विद अमेलम स्टार्च एंड दस दे आर कॉल्ड एज अमेलम स्टार। एंड अगर इनका हम स्ट्रक्चर इंटरनली देखें तो इनके अंदर जो स्टार की टाइप है वो भी अमेलम ही है, जिसकी वजह से हम इनको अमेलम स्टार्स कहते हैं।